अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रहीम और आप देख रहे हैं उर्दा पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि नटीवो जो है बायर की फंजीसाइड और रिजेंट, ये इंसेक्टीसाइड है, इसकी डोज क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और ये जो हमारी डिजायर क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उन्होंने कि बीमारियां कवर कर सकता है। आइए इसको हम चेक करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे नटीवो की। नटीवो के अंदर ट्यूबाकनाजोल है और इसके अंदर ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन है। ये बन के ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड बन जाती है। और जो है रिजेंट, रिजेंट के अंदर ये एक फिप्रोनिल है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके लिए, जैसे ग्रास ऊपर हो गया, कटर हो गया, ये इनके लिए शानदार इसका रिजल्ट है। अब इसकी बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन। जो है नटीवो का मोड ऑफ एक्शन है वो है कि ये ट्रांसलेमिनारिस के अंदर एक्शन है। दूसरा सिस्टम है क्या है कि ये जज़ब हो जाती है और जज़ब होने के बाद ये जड़ों तक चली जाती है। और जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो एक्शन है जो फाइटर टॉनिक है, ये फाइटर टॉनिक में ये होता है कि स्प्रे होने के बाद अगर पौधे पर जो स्ट्रेस पहले से आई होती है उसको ये शानदार कर देता है। और पौधे में जो फाइटर टॉनिक है इसके अंदर ये एक जो सबसे बड़ा जो एक पहलू उसका जो फ़ायदा जो हमें नज़र आता है, जो कंपनी भी रिकमेंडेशन करती है, कंपनी बताती भी है कि फसल जो है आपकी हरी भरी नज़र आने लग जाती है, स्ट्रेस जो है कम हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट में हेमस्ट्राटॉप भी है, नैनोक भी है और अदर फंजीसाइड भी अवेलेबल है। हम यही क्यों करते हैं? तो मार्च का महीना चल रहा है, फरवरी के मंथ में ब्लास्ट की जो बीमारी आती है या रस्ट की बीमारी गंदम पे आती है उसके लिए ये बेहतरीन है। और मार्च में अगर हम इसको गार्लिक पे स्टडी करें तो गार्लिक पे नेक रॉट आ जाता है, फ्रूट रॉट आ जाता है। और जो रस्ट की डिजीज़ है अगर गंदम पे आती है तो जो कुंगी ये कह लें आप या रस्ट कह लें वो गार्लिक पे भी आ जाती है। ये कॉलोनी की शक्ल में आती है, पहले ये एक दो पौधों पे होती है, फिर 10 पौधों पे होती है, यानी ये कि कॉलोनी से बढ़ती ये बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये आप स्प्रे करेंगे तो जो ब्लास्ट है या नेक रॉट है या फ्रूट रॉट है, जो गुलाव का जो मसला मार्च में गार्लिक में जो अब देखा गया है, बहुत सारे फील्ड हमने विज़िट किए हैं, देखे हैं, जो उसके अंदर जो फ्रूट रॉट है ये कॉमन सी बीमारी बन चुकी है। उसकी मेन वजह जो है बारिशें हैं, अल्लाह की मर्ज़ी है बारिशें तो जब वो दे या ना दे, लेकिन ये अगर हम इसको क्रॉप के नज़र में देखें तो ये अनटाइमली ये बारिशें हैं जिसकी वजह से जो गलावट है, जो गाला है, जो इसके अंदर गार्लिक में, जीवन की गार्लिक में या दूसरे गार्लिक में वो देखने में नज़र आए, तो उसको रोकने के लिए ये बेहतरीन जो है ये नटीवो जो है ये ज़बरदस्त है। और हम बात करें रिजेंट की, रिजेंट में इस वक्त जो है डेफिनेटली जो जितने भी हशरात हैं या जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। फरवरी से शुरू होती है, मार्च अप्रैल में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे ही हमलावर होते हैं। जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो भी, उनकी भी ग्रोथ बढ़ जाती है। उनको रोकने के लिए हमने इसके अंदर रिजेंट डाला है और ये स्प्रे करने के बाद अंदर अंदर आपको रिजल्ट जो है 12 घंटे के बाद नज़र आने लग जाएगा कि आपके फील्ड में कुछ हुआ है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये है कि अब डेफिनेटली बारिशें हो रही हैं, कल भी बारिश है हमारे पास, तो अगर हम रेन में इसका क्या है? बारिशों में इसका भी वही बेहतरीन है, इसका रिज़ल्ट है। अगर 2 घंटे तक के बाद बारिश आती है तो इसका रिज़ल्ट में कोई कमी नहीं आएगी। तो बाकी ये तो था हमारा दुनियावी चक्कर कि दुनियावी तौर पे हमने सारी चीज़ें खरीद ली, बाकी अल्लाह के हजूर दुआ करें कि मसले मसाइल वो बेहतर हल करने वाली ज़ात है और वहीं से मसले हल होने हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। असल।